सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा। मेरे सतगुर दीन दयाला। क्योंकि ये जो शब्द का लंगर है ना, लंगर आप रोज ही छकते हैं घर विच भी, तो गुरु का ही लंगर होता है, वो छकना जरूरी है। क्योंकि भूखे भगत ना कीजे जे माला अपनी लीजे, मैं मना नहीं करांगा भी तुम लंगर छकन ना जाओ, पर छक के फिर इसे ही पंडाल विच बैठन की कृपालता करो। ते ज्ञानी मनमोहन सिंह जी ने माणा अगले सत मिनटां वास्ते हाजरी भर रहे ने जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद, जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। सम्मान योग गुरु रूप साध सिंह जी, कुछ समा सतगुरु जी के विचार आप जी के सन्मुख रख सका। उस तो पहले दसवें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी अपनी बाणी विच बख्शिश करदे हन सच्चे पातशाह दी, जोर ना जीवन मरण ना जोर। दो गल्लां परमात्मा ने अपने हाथ विच रखियां हन, जन्म भी उस परमात्मा ने अपने हाथ विच रखिया है। जन्म असी लिया नहीं है, सानू दिता गया है। उस परमात्मा दी बख्शिश होई, सानू मनुखा जन्म प्राप्त होया है। जन्म मिले उस परमात्मा दी कृपा दे नाल। ते सतगुर कहंदे ने मरण भी मिलना है तो उस परमात्मा दी कृपा दे नाल मिलना है। ना जन्म साडे हाथ विच है, ना मरण साढ़े हाथ विच है। असी अपनी मर्जी दे नाल जन्म नहीं लै सकते, अपनी मर्जी दे नाल असी मर भी नहीं सकते हाँ। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने दोनों ही गल्लां परमात्मा ने अपने हाथ विच रखियां हैं। जन्म मरण हमारे वस नहीं, दोनों चीजां साडे वस विच नहीं हन। परमात्मा जदों मेहर करदा है सानू जन्म दे देंदा है, जदों उसकी मेहर होवे सानू चुक भी लैंदा है। मस्किन साहब बड़ा सोहना उदाहरण दिया करदे सन, कहिंदे ने जदों असी मकान बनाना होवे कदी असी मकान नू नहीं पुछदे, तैनू बना दईए कि ना बनाईए। जे तैनू बनाना है तो फिर किस तरह का बनाइए, दरवाजा कित्थे रखिए, खिड़कियां कित्थे रखिए, किस तरह का तैनू रंग करिए, कुछ नहीं पुछया जांदा। साड़ी मर्जी असी मकान बना दिता है। जिस दिन असी मकान नू टाणा होवे,
असी मकान कलो पुछदे नहीं हां, तैनू टा दईए कि ना टाइए। साडी मर्जी असी बना दिता है, साडी मर्जी असी गिरा दिता है। परमात्मा ने भी दो चीजा अपने हाथ विच रखिया हन, उसकी मर्जी ए सानू जन्म दे दिता है, उसकी मर्जी ए सानू मरण दे दिता है। पर दोनों ही चीजा परमात्मा दे हाथ विच हन। इस जन्म ते मरण दे विचकार जेड़ा जीवन है, गुरबाणी बख्शिश करती है कि यह जीवन तेरे हाथ विच है। इस जीवन का हुण तू की बनाना है यह तेरी मर्जी है। जैसे परमात्मा ने अंगूर दे विच बड़ा सोहना मिठा रस पाया है, हुण भावें अंगूर खा लो, भावें जूस बना लो, भावें ग्लूकोस बना लो, चाहो तो फिर उसकी शराब भी बना सकते हाँ। जीवन उस परमात्मा ने सानू बख्शिश किया है, हुण साडी मर्जी है असी गुरमुख बन जाइए, संत बन जाइए, चोर बन जाइए, डाकू बन जाइए, कुछ भी बन सकते हैं। बस इतना कुछ साडे वस विच है। जन्म तो सानू प्राप्त हो चुका है, मरण सानू मिलन वाला है, अगे आने वाली है मौत। क्योंकि समा बड़ा सीमित है तो विचार बहुत लंबे हैं। ये जिहड़ी मौत आन वाली है, इस तो कोई बच भी नहीं सकता है। कोई आखे भी मैं सदीवी काल संसार ते रह जाना है, सतगुर सच्चे पातशाह कहंदे ने इस तो वड्डा कोई झूठ नहीं है। गुरु नानक साहब ने कहा सी, जीवना झूठ ते मरना सच, एक अटल सच्चाई है। मौत से भला किसकी यारी है, आज उनकी तो कल अपनी बारी है। यह तो एक ना एक दिन साडा समा आ ही जाना है, क्योंकि जीवन की एक सच्चाई है। कबीर साहब कहते ने भी संसार ते जीवन प्राप्त किया है, उस तो बाद मौत आनी है। ते जगत मरदा भी पै, लेकिन मरना किसी नू आया नहीं है। कबीर, मरता मरता जग मुआ, मर भी ना जाने कोय, पर वो कहंदे ने ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना होए। चाइना दे विच एक संत होए ने, कहंदे ने बाजार विच खड़े सन, चार बंदियां ने एक लाश चुकी, पिछे बहुत लंबी पीड़ है। वो लेके जा रहे सन, इस संत ने एक नू आवाज मारी, पूछा भी ये कित्थे जा रहे हैं। कहंदे जी ये शमशान घाट विच जा रहे हैं। क्यों? कहंदे बंदा मर गया इस वास्ते। वो कहंदे वाकई मर गया? कहंदे हाँ जी मर गया, ता ही लैके जा रहे हैं। तीसरी बार इस संत ने फिर पूछा भी वाकई मर गया? उन्हें हाथ जोड़े कहंदे हाँ भी वाकई मर गया, किसी जूंदे मनुख नू तो लैके नहीं ना जाते शमशान घाट, ये वाकई मर गया। लेकिन तुसी बार बार इस गल नू क्यों दोहराते हो भी ये मर गया मर गया? उस संत ने बड़ा प्यारा जवाब दिता, कहंदे ने जे ते इस नू पिछे कोई याद करन वाला नहीं है तो समझ लो कि ये वाकई मर गया है। जे इस दे मरण तो बाद इस नू कोई याद करन वाला है, समझो ये मरण तो बाद भी जिंदा है। एक शायर दे बड़े सोहने बोल ने, वो कहंदा ये कबर ये जनाजा ये कफन तो रस्म शरीयत है, ये कफन ये कबर ये जनाजा तो रस्म शरीयत है, मर तो इंसान तब ही जाता है जब कोई याद करने वाला ना हो। कुछ इंसान ऐसे होंदे ने जेड़े जीवंदे रह के भी मरियां दे बराबर होंदे ने, और कुछ इंसान ऐसे होंदे ने भावे संसार तो चले जान पर फिर भी उस सदा ले जीवित रह जांदे हन। सतगुरु सच्चे पातशाह ने कहा, नाम रहयो साधु रहयो, रहयो गुरु गोबिंद, कह नानक ए जगत में किन जप्यो गुरमंत। जिन्ना ने भी उस परमात्मा का सिमरन किया है
ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜੈਸੇ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।